आदमी के कंधे में चढ़ करके ऊपर पहुंचता है और उसे हटा के पीछे फेंक देता है, यहाँ पे खुद आगे चलने के लिए उसे धक्का देगा और खुद आगे स्थान बनाने की कोशिश करता है। दलित साहित्य में भी आज अनेक दलित साहित्यकार लगे हुए हैं, साथी लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, और उसमें से अलेश के द्वारा अपने प्रथम चरण में मलखान सिंह को ही अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया। मैं पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन साथियों को विशेषकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे भ्रत्यारी को भी दूंगा, तो मैं बुढ़ा आदमी ऐसा आपसे थोड़ी बहुत कम होगी, ऐसे साथियों ने कहा गया तो दम का फिर भी कल गाड़ी में बिठा के लाए, यहाँ तक पहुँचाया। तनवर जी ने कहा था गाजिए, हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम चला चला नहीं जाता है। श्रीमान डॉक्टर भरतिया जी ने कहा नहीं, हम आपको ले जाएंगे और लौटा के। अब रहा सवाल कुछ बोलने का, तो मैं समझता हूँ आप सभी प्रबुद्ध हैं, मंच पे बैठे हुए सब अपने अपने हस्ताक्षर हैं, सामने भी सब एकेडमी के कहना चाहिए गिने चुने व्यक्तित्व में से हैं, लेकिन पीछे कुछ विद्यार्थी हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा तो बोला ही जा सकता है। विशेषकर जो दो शब्द हैं आपका, ये तो सामाजिक न्याय, दलित साहित्य, दलित साहित्य से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन सामाजिक न्याय अपने आप में इतना कहना चाहिए उलझा हुआ शब्द है कि वो एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि सामाजिक न्याय से आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। आप यदि आप, मैं समझता हूँ एकेडमिक तो सभी हैं और निश्चित ही पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी रहे होंगे, तो सबसे पहले जब सामाजिक न्याय और न्याय की बात करता है तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में इसका उल्लेख मिलता है कि न्याय क्या है। सबसे प्रथम अभिव्यक्ति भारतवर्ष में नहीं होती न्याय की, सबसे प्रथम अभिव्यक्ति प्लेटो कहता पूछता है न्याय क्या है। और उस समय यूनान के अंतर्गत तीन तरह के न्याय चल रहे थे, पहला न्याय मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। एक विचारधारा थी यूनान में जो यह मान के चलती थी कि जो मित्र हैं उनके साथ मित्रता और जो शत्रु हैं उनके साथ शत्रुता का व्यवहार करना न्याय है। इस पर एक लंबा डिस्कशन के बाद प्लेटो इस निर्णय पर पहुंचा कि भाई ये न्याय इसलिए नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सभी का मित्र नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सभी का शत्रु नहीं हो सकता, तो यूनिवर्सलिटी जो होनी चाहिए न्याय के अंतर्गत, सर्वमान्यता का जो नियम होना चाहिए उसका यहाँ पर अभाव है, इसलिए हम इसे न्याय की कोटि में नहीं रखते। बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी विचारधारा थी कि यदि हमने किसी वस्तु किसी व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त की है तो उसे लौटा देना ही न्याय है। इस पर भी एक लंबा वार्ता होती है रिपब्लिक के अंतर्गत। और फिर प्लेटो कहते हैं मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से तलवार ली और तलवार देने के बाद वो व्यक्ति पागल हो जाता है और हमने वो तलवार उसे वापस कर दी तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस स्थिति में भी यह न्याय नहीं है, इसे हम न्याय नहीं है। तीसरा कंसेप्ट जो आता है वो कहता है कि व्यक्ति की आत्मा के तीन गुण होते हैं, संपूर्ण व्यक्तियों को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक व्यक्ति वो जिसमें सोने का तत्व होता है, एक व्यक्ति वो है जिसमें चांदी का तत्व होता है, एक व्यक्ति वो है जिसमें लोहे का तत्व होता है। सोने के तत्व को उन्होंने फिलोसोफर कहा, दार्शनिक कहा, एकेडमिक कहा कि भाई ये दार्शनिक बनेंगे, ये कहना चाहिए शिक्षा और दीक्षा का काम करेंगे और यही राजा बनेंगे, यही राजा का काम करेंगे। जिनमें कहना चाहिए चांदी का तत्व था उन्हें सैनिक के रूप में उसने स्थापित किया और जिनमें कहना चाहिए कि लोहा तत्व था उन्हें मजदूर बना दिया। भारतवर्ष की संपूर्ण विवरण व्यवस्था प्लेटो के इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित थी और उसे इतना रंग दिया गया कि उसने किसी महापुरुष ने विरोध करने की कोशिश ही नहीं की। वहां तक भी अरिस्टोटल ने विरोध किया था
प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल ने विरोध किया था आगे जाकर के इससे ये बुराइयाँ पैदा होंगी, इससे ये बुराइयाँ पैदा होंगी, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर उसी सिद्धांत को के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी गई। एक ओर ब्राह्मण स्थापित कर दिया जिसमें शत्रुगुण था, दूसरी ओर क्षत्रिय वर्ण बना दिया गया जिसमें रजोगुण था, तीसरी ओर जो कहना चाहिए तम तत्व था उसे शूद्र वर्ण के अंदर शामिल किया और इतना मजबूत कर दिया गया कि इसे ईश्वरीय संस्था घोषित कर दिया गया। गीता कृष्ण बोलते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था मैंने स्वयं स्थापित की है और इसके माध्यम से इस बुरी वर्ण व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था ने क्या किया कि 85% लोगों को बिल्कुल समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया। न उनके पास सामाजिक अधिकार थे, न उनके पास आर्थिक अधिकार छोड़े, न उनके पास राजनीतिक अधिकार छोड़े, उन्हें पशुवत जिंदगी जीने के लिए बाध्य होना पड़ा और तब से लेकर आज तक वह पूरा का पूरा समाज पशु की तरह जीवन जी रहा है। आज जो दलित साहित्य है उस पशुवत जीवन जीने वाले के जीवन को व्यक्त कर रहा है दलित साहित्य पूरा का पूरा और इसीलिए उसे हम दलित साहित्य के नाम से जानते हैं। मंतव्य है आपके सामने, विद्वान बैठे हुए हैं, दलित साहित्य के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी जानते हैं।